मैं क्यों दूंगा वोट किसी को, जब मैं अपना कमाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ, क्यों दूंगा वोट? मैं वोट को बहिष्कार करता हूँ, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। इस तक प्रधानमंत्री तो तय है, मुख्यमंत्री कौन तय? इस बार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इनके सामने बोल दिया। अभी किसी का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, उनको डिसीजन से थोड़ी होगा, आम जनता सर्वोपरि होता है और नेता कोई सर्वोपरि नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त पहुंचा हूं महुआ विधानसभा, ये वही विधानसभा है जहां पिछली बार तेज प्रताप को यहां से जीत मिली थी, लगभग 34,000 से जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी। लोगों का कहना है वो आए ही नहीं और सीट बदल कर चले गए, लेकिन इस बार मुकेश रोशन और परवीन का यहां से मुकाबला है। कौन इन दोनों में जीतेगा, क्या इस बार जनता को नजर आ रहा है और क्या मुद्दे हैं महुआ विधानसभा के, तो आइए, जनता जनार्दन मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, उन्हीं से सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता, गुप्ता जी, इस बार क्या मन बनाया है? मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से, इस बार तेजस्वी भी रेस में, क्या नजर आ रहा है? एक्चुअली क्या है कि अगर तेज प्रताप जी अपने रहते तो उनकी बात अलग थी, इस बार वो है नहीं, तो जहाँ तक जो लोग को अच्छा लगेगा, हमें नहीं लगता है कि लोग तेज प्रताप वाली बात मुकेश रोशन जी के साथ होना चाहिए। ऐसे एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है जदयू की, आसमा परवीन, और बहुत ही तेज तरार है LJP से संजय सिंह जी भी है। तुम भैया कहाँ बहस कर रहे हो, हम यहाँ मौजूद है, तुम वहाँ बहस कर रहे हो। कहने का मतलब है कि अगर तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी विधायक जब बने 5 साल के लिए, तो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो बिहार राज्य को क्या संभालेंगे? ओहो, ये भी तो बात है। तो जनता अपना साइलेंट है, जैसे वो साइलेंट है, हम भी साइलेंट है, और साइलेंट ही सबसे ज्यादा दर्द देगा। हाँ, रिकॉर्ड से देगा, रिकॉर्ड से। हाँ, मुकेश सहनी का क्या होगा भैया? मुकेश सहनी का तो समय आएगा तो बताएगा ना, अभी थोड़ी हुआ है। और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनका क्या होगा? अभी किसी का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, उनको डिसीजन से थोड़ी होगा, आम जनता सर्वोपरि होता है और नेता कोई सर्वोपरि नहीं होता है, जो जनता करेगी वही मान होता है, नेता कोई नहीं होता है। जनता करेगी क्या महुआ की? इस बार जो आएगा समय तो बताया, आ गया समय? नहीं नहीं नहीं, वो 7 तारीख को बताया जाएगा क्या होगा। सर जादू है, जादू है, जादू। हाँ, JDU। अच्छा, JDU बोल रहा है, हो गया फाइनल में बात है। आपको क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार, आपके मुस्कुरा रहे हैं। हम मुस्कुरा रहे हैं इनकी बात सुन के। मैं भी यही बात बोलने वाला हूँ, मैं महुआ विधानसभा से मैं आता हूँ, और जितने भी नेता आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, हमारी वोट इतनी मतलब मेहनत हम लोग देते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, हम लोग को दर्द और ये सब नहीं सुन पाते हैं। हम लोग महुआ व्यवसाय छोटा मोटा दुकान लगाते हैं यहाँ पर फुटपाथ पर, किसी से कर्ज लेकर के दुकान लगाते हैं सुबह से शाम तक, और शाम होते होते मानव रूपी दानव जो ऐसा रूप लेके आया है यहाँ महुआ, जो ठेकेदार, वो हम लोग से सुबह से शाम तक 150-200 रुपया कमाते हैं, और शाम में हमसे मार झापड़ से मार करके और 125 रुपया और 150-200 रुपया लेता है। मैं क्यों दूंगा वोट किसी को, जब मैं अपना कमाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ, क्यों दूंगा वोट? मैं वोट को बहिष्कार करता हूँ, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। लोग कहते हैं कि ये इतना मेरा आदमी है, लोग कहते हैं इतना मेरा आदमी है, और आदमी मर रहा है, आदमी को आदमी खा रहा है, इसके लिए किसी की चिंता नहीं है। हम क्या, हम इस धरती का लाल नहीं है? हम यहाँ बताइए सुबह से शाम तक धूप में जलते रहते हैं, और शाम में हमारे साथ दशा क्या होता है? कोई माई का लाल उसको समझाने वाला नहीं है कि 125 150 रुपया क्यों लेता है इस गरीब आदमी से? कौन लेता है ऊपर? लेता है मेरा ठेकेदार, लेता है मिनी अवधेश राय, लेता है। क्यों लेता है? लेता है वो ठेकेदार, वो ठेकेदारी लिया है जिला परिषद से। अब कितना में लिया नहीं लिया मैं लोग नहीं जानता हूँ, कहीं बिहार में ऐसा है आप लोग जानते हैं? बहुत जगह गए हैं, फुटपाथी से 125 रुपया 150 रुपया लिया जाता है।
हर दिन का, हर दिन सुबह से शाम तक जितने भी फुटपाती है बताइए, किसी के बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, किसी के जूते नहीं है, किसी के चप्पल नहीं है, किसी के पढ़ाई लिखाई नहीं होता। शाम तक, सुबह से शाम तक सारा पैसा लेकर के वो चला जाता है, नहीं देने पर झापड़ से मारता है, दो चार गो लंड को भी लाता है, मरवाता है। यार भरोसा नहीं कि नीतीश आएंगे तो ये जो ठेकेदारी है, किसका विश्वास करें, तेजस्वी आएंगे वो करें। हम लालू यादव को भी सरकार को हमने देखा है, नीतीश कुमार को भी सरकार को हमने देखा, लेकिन ये हट नहीं पा, लेकिन हट नहीं पा रहा है। ये कब समाप्त होगा हमको समझ में नहीं आता है। क्या नाम है भैया? अजय कुमार। ये क्या बोल रहे हैं? हम तो अभी भी आए हैं सुनने। हाँ, तुमने अब तक क्या सुना? वही सुने, वही ठेका पैसा लेता है रोड पर, जितना ठाड़ा लगाता है। बात सही है, कुछ सही है। आसमा परवीन और मुकेश रोशन, कैसा मुकाबला है? दोनों में कांटे की टक्कर नहीं, कह नहीं सकते कौन जीतेगा। दोनों में कांटे प्रताप कितनी बार मिले? वही एक दो बार आए तो वह मेडिकल कॉलेज उद्घाटन में आए थे, चले गया मेडिकल कॉलेज। अभी बन रहा है। कुछ बोलिए, क्या बात हो रही है? तालियां तो बहुत बज रही थी। हाँ सही बोल रहे हैं, ये बोले हैं सर, सही बात बोले हैं। ये समस्या है? हाँ समस्या, बहुत बड़ा समस्या यही है सर कि यहाँ पे हम लोग गरीब ठेलेदार है। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैंने काम किया यहाँ पे, फिर भी हमको जबरदस्ती जो है 10 के बजाय में 100-100 रुपया, 200-200 रुपया वसूला जा रहा है। क्यों? मैं इस सरकार में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब को क्या चाहिए? हक चाहिए, जीने का रास्ता चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला। कौन देगा ये रास्ता? रास्ता आम पब्लिक देगा, हम देंगे, लेकिन इसके लिए सब अच्छा का कोई हल कैंडिडेट चुनना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें है अच्छा, बोलिए अच्छा कैंडिडेट के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलिए भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? तैयार होके जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो सरकारी मुलाजिम है, हम लोग तो काम सरकारी हो तुम तो? हम लोग तो ऐसे ही आए हैं ड्यूटी से अभी। तुम देख रहे हो कौन जीत रहा है, चुपके से बता दोगे? देखने के नहीं यार, नहीं देखें तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? जनता के बीच जनता ही तो सबका मालिक है, कोई भी काम तो जनता ही करता है। जनता जिसको जिताएगा वही जीत के जाएगा और वही करेगा। इस तक प्रधानमंत्री तो तय है, मुख्यमंत्री कौन तय? इस बार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इनके सामने बोल दिया, इनके सामने कहोगे कहीं हो? नहीं नहीं, नीतीश कुमार ही इस बार बढ़िया काम किए हैं। गांधी नीतीश की जोड़ी चलवा बिखेर का भी काम वही किए हैं, महात्मा गांधी सेतु का भी काम वही किए हैं। सोच गलत है इसकी, आम जनता को या किसी को भी सोच गलत है। जो काम किया है उसी का जैसे कि वोट है। जो काम तो मौका मिलेगा तब काम होगा ना, तेजस्वी कह रहे मौका दी? नहीं ऐसा बात नहीं है, मौका नहीं देना। ऐसा तो मौका मिला हुआ था ना, 15 साल मौका मिला, कुछ नहीं हुआ। 15 साल में उनसे कुछ नहीं हुआ, डर खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने, डर खत्म कर दिया। 15 साल में क्या किए आप बताओ? क्या किए वही तो देखने वाली बात है ना। अभी जैसे कि देख रहे हैं ना सभी लोग कि क्या है नीतीश कुमार का और बीजेपी का, बस जो काम है। प्रताप ने कितनी बार दर्शन दिए विधानसभा? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, दर्शन दिए कि नहीं? नहीं नहीं दिए। दर्शन दिए तेज प्रताप? नहीं नहीं, आए और चले गए। अदृश्य ताकत थी? आए और चले गए, मिले नहीं? नहीं। तुम भी नहीं मिले? नहीं। तिलिस्मी दुनिया में से आए थे, तिलिस्मी दुनिया में फिर लौट गए। अच्छा। बस सर्कुलर रोड से टपके थे महुआ और वापस चले गए। इस बार आते तो जीत जाते कि हारते? अब ये तो बात बताने की नहीं है कि अगर उनको कॉन्फिडेंस रहता कि हम यहीं से जीते तो यहीं से लड़ते ना, स्वाभाविक सी बात है। डर था इस बार कहीं ना कहीं होगा, तभी तो शायद सीट बदल दिए, नहीं तो अगर वो वर्क किए तो उनको यहीं से लड़ना चाहिए था। हम लोग चाहते थे कि वो यहीं से लड़े, जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज जैसा संस्थान देने का काम महुआ को किया है तो फिर उनको घबराहट की कोई बात ही नहीं थी। वो तो इसी बेस पे चुनाव लड़ते तो शायद यहीं से जीत जाते। क्यों जी जीत जाते कि हार के जाते? चुनाव अगर मेडिकल दिए हो और चुनाव लड़ते जीत के जाते। जीत के जाते जी हाँ। ऐसे हाथ करने से काम नहीं चलेगा, आपका वोट तो ये थोड़ी डालेंगे, आप ही डालेंगे तो अपनी राय भी आप ही देंगे। कैसा विकास हुआ महुआ? विकास तो हुआ ही है। क्या हुआ? आपको मेडिकल कॉलेज बना, हर गली चौराहे पे रोड बना, और जहाँ तक हुआ विकास हुआ, लेकिन जो हम लोगों के विधायक थे वो बहुत कम महुआ है। सर बिना आग लगाए काम चलेगा नहीं? जरूर, और इस बार परिवर्तन चाहिए।
कौन है परिवर्तन का चेहरा? पिछली बार तो करा था आपने, तेज प्रताप आए थे तो परिवर्तन करने, तो इस बार तो ऊपर बदलना है ना। अच्छा, तेजस्वी को लाना है, तेजस्वी आ रहे हैं, नीतीश को हटना है, नीतीश को भेज रहे हैं वापस। तय है, तय है, तय है। और इस सीट से लगभग लगभग जीत पक्की है। आसमा परवीन की नहीं, डॉक्टर मुकेश की, मुकेश की, मुकेश रोशन हो जाएंगे निश्चित। अरे आवाज में कुछ गड़बड़ है। नहीं, निश्चित निश्चित। क्यों भैया, क्या होगा इस बार? तेज प्रताप को लाना ही है यहाँ पे। तेज प्रताप चले गए, पता तुमको है नहीं? आएगा दूसरा। दोबारा कब? कब आएगा? आएगा, समय आएगा तो आएगा। समय आएगा? होगा। समय चला गया? आएगा भैया। वो दूसरी विधानसभा में चले गए हसनपुर? मेडिकल कॉलेज जब दिए दिए तो आएंगे, उनका ही कोनो आएंगे, लेकिन उनका ही आदमी आएगा। उनका उनके आदमी को देना है जी। आप क्या समझ रहे हैं भाई साहब, कैसी चल रही है दुकान? दुकान ठीक चल रही है। क्या नाम है? नीतीश कुमार सिंह। नीतीश कुमार, एक नीतीश ऊपर बैठे हैं, एक यहाँ। अच्छा, नीतीश, नीतीश जी, नीतीश भारे या तेजस्वी भारे? भारी तो अब दोनों है, कहना मुश्किल है कौन जीतेगा। भारी कौन है तो छोड़ दो, भा कौन रहे हैं? भा तो अभी सबसे अच्छा तो वही है। कौन? सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं तेजस्वी पक्का है। सब आदमी का अपना अपना सोच। ए बाबू, है तुम्हारा वोट कि नहीं? अभी नहीं है। अरे बनवाओ फिर, तुमने बनवा लिया? जी दिया था पिछली बार। जी इस बार दोगे? जी देंगे। किसको दोगे? इस बार देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? जी। आसमा परवीन को? जी। गठबंधन? हाँ, गठबंधन को देंगे। जेडीयू? जी। जीत पाएंगी? जीतेगी। क्यों जीतेगी? काम किया नीतीश कुमार ने। कौन से काम? बहुत सारा काम। तेज प्रताप ने काम नहीं किए, वो तो कह रहे हैं अस्पताल बनवा के चले गए, वो भी किए थे। तेजस्वी आएंगे कि नहीं? तेजस्वी को नहीं पता। ये सीट बदल दी क्या आपने? आप बताइए भैया, आसमा परवीन या मुकेश रोशन, जेडीयू या आरजेडी? लोजपा से संजय सिंह भी हैं। हाँ, संजय सिंह भी ऐसे छोड़ दिए? ऐसे छोड़ दिए लोग। अभी हम लोग सामंजस्य में हैं, अभी स्थिति जैसे बनेगी वैसा डिसीजन लेंगे। अभी 15-20 दिन है चुनाव में, तो एक दो दिन में। चिराग ने कह दिया मोदी दिल में है, फोटो में हो ना हो जनता समझ रही है। दिल में तो है ना, दिल में तो उन्हीं के है ना। जब दिल में वो रखे हुए हैं तो वो अलग है कहाँ। अब इसी पर हम लोग सामंजस्य बना रहे हैं कि क्या करना है। अब मतदान तो गुप्त ही होता है, मन का बात मन में ही रहता है, तो वो 5-7 दिन 10 दिन जब नजदीक आएगा तो हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी जैसे पार्टी है रंग बदल रही है सब, कभी वो इस छोर, कभी वो इस छोर, कभी वो इस कैंडिडेट को बदल देती है, कभी उस कैंडिडेट को बदल देती है। मालूम चलता है कि अभी कल हो के परसों उनको टिकट मिलने वाला है, कल हो के टिकट मिल जाता है किसी को। तो हम लोग भी तो अपना डिसीजन समझ बुझ के ही लेंगे ना कि हमको किसको वोट करना है। हमको भी मोदी के नाम पर वोट देंगे, तेजस्वी के नाम पर वोट देंगे या नीतीश के काम पर वोट? देखिए, हम विकास के नाम पर वोट देंगे, हम विकास के नाम पर वोट देंगे, चाहे जिन्होंने किया होगा उनको वोट देंगे। 5 साल के लिए किसी को वोट देना तो बिल्कुल बॉस पड़क के ही देंगे। अब वो चले गए जमाने धमकी वाले? बिल्कुल चले गए, वो अभी भी है? नहीं, वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। चला गया? हाँ। तो मुड़ गए, फोटो खिंचवा रहे थे क्या? अरे इधर आओ, चले गए क्या भैया? आइए आइए, इधर आइए, मैं उधर ही आ जाता हूँ। अरे नहीं, आ रहे हो? आ जाओ। अरे खड़े हो क्या? आ जाइए, बाद में बैठ लीजिएगा ना। कुर्सी पे तो अभी नेता बैठेंगे, जनता खड़ी रही। अच्छा, नेता जी हैं? हाँ हाँ, नेता जी। क्या हो रहा है विधानसभा में? विधानसभा में चुनाव हो रहा है, वो तो सबको पता है, पूरा देश जान रहा है। चुनाव हो किस नाम पे जी? किस नाम पे चुनाव है? विकास पे चुनाव हो रहा है। किसने किया है विकास? विकास नीतीश कुमार ने विकास किया है, ये सारी पब्लिक जानती है। नीतीश कुमार है जी? बिल्कुल। और लोजपा कुछ काम तो नहीं बिगाड़ रही? बिल्कुल नहीं, लोजपा का वोट है कहाँ? वो तो कह रहे दिल में मोदी हमारे हैं, पोस्टर में कहीं हूँ। वो तो पब्लिक भी खड़े हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। आसमा परवीन क्या दिखाएंगे इस बार जलवा? बिहार में विकास की वोट दिया जाए, बिहार में विकास की रफ्तार चली है तो आसमा की सरकार बननी एकदम बिल्कुल तय है। पक्का है? बिल्कुल। हमारे कहने का मतलब, बीते 15 सालों में नीतीश जी का है सो काम ही काम है सो बिहार में दिखा है। बिजली, सड़क, ठीक है ना, हर गली में पानी की सुविधा मिला है, इससे ज्यादा और पब्लिक को क्या चाहिए? नीतीश जी ने जो जो बोला उस पर उन्होंने बिफोर है सो खड़ा होकर पब्लिकों को दिखाया है,
इससे ज्यादा तो हमको कुछ नहीं चाहिए। तेज प्रताप की सीट थी वो चले गए छोड़ के, मुकेश रोशन को दे गए इस बार। अब देखिए, मैं मुकेश जी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, वो उनका वर्क और उनका तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया कहीं से लड़ना नीतीश, हार के जाएंगे इस बार, दम है तो सामने। अच्छा, वो तो विपक्ष है, उनका तो बोलना काम है, हमको तो अपने विकास पे हसो वर्क करना है, कौन क्या बोलता है उस पर हम देखेंगे, तब तो हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएंगे। हमने कर्म किया, हमको उस आधार पर चलना है। कर्म पे वोट है बिल्कुल, विकास पे वोट बिल्कुल, चमचमाती सड़कों पर बिजली है, देख रहे हैं ना बाजार चमचमा रहा है। रोजगार कहाँ है सर, वो कह रहे 10 लाख देंगे, युवा कह रहे अच्छी बात है। अच्छा, बीते 15 साल में भी तो रोजगार लालू जी ने बहुत लोगों को दे दिया, रोजगार ही रोजगार था, रोजगार ही उनके भी डिजिन में तो रोजगार था। हमारे कहने भ्रष्टाचार तो बरसों से बढ़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे खत्म होगा ना। 70 साल कांग्रेस सेंट्रल में रही तो विकास नहीं हुआ, और 15 साल 6 साल मोदी जी आ गए तो विकास और रोजगार कहाँ से आ जाएगा। सबका एक सिस्टम होता है ना, सबका एक समय होता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये तो हम युवाओं को समझने की जरूरत है कि रोजगार तो पेड़ तो है नहीं कि हर साल हसो आम के बगीचा में पेड़ फटेगा रोजगार टपकेगा, उसके लिए समय आएगा, अच्छे हमारे प्रधानमंत्री को लाना होगा, मुख्यमंत्री को लाना होगा, उसके बाद ऐसा रोजगार यहाँ पर आएगा। तो जनता ही सब कुछ बताएगा। गुस्सा भी बहुत था, और गुस्सा इसलिए था कि आखिरकार क्यों खामखां की उगाही हो रही है। लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, हर विधानसभा से इसी तरीके से हाल बताते रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, महुआ, हेडलाइंस इंडिया।